जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज अपने दो दिवसीय शहाबाद दौरे को लेकर जिले के डेहरी पहुंचे, जहां उत्साह से लबरेज जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं कुशवाहा के साथ सेल्फी लेने को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही धक्का मुक्की भी करते दिखे। दरअसल जिले के डेहरी पहुंचे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जदयू कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा नीतीश सरकार को जल्द ही गिराने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन इतना जान लीजिए कि यह सरकार 5 साल चलेगी और खूंटा ठोक कर चलेगी। साथ ही आने वाले समय में भी बिहार में लगातार एनडीए की ही सरकार रहेगी। कोशिश तो कई तरह की हुई कि किसी तरह से जो धारा, जिस धारा की शुरुआत कभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1994 में हुई थी, धीरे धीरे धारा मजबूत हुई, लेकिन उस धारा को कमजोर करने की भी साजिश हुई। साजिश का मतलब कोई अगर हमारा सीधा विरोधी है, खुलकर विरोधी है तो कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा चलता ही है। खुलकर विरोधी होना, अलग पार्टी में काम करना सबकी स्वतंत्रता है, कोई कर सकता है, लेकिन जिस ग्रुप में राजनीतिक दल के साथ हम हैं, जनता दल यूनाइटेड है, वहीं से अगर साजिश चलती है कि चुनाव में हम अपने गठबंधन के साथी को ही हराने का काम करें, तो यह गलत होता है। और हुआ है इस चुनाव, लेकिन वैसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोगों को करना है। और मुझको लगता है या वैसी साजिश करने वाले लोग स्वतः उनकी बोलती बंद हो जाएगी, ऐसी साजिश लोग नहीं करेंगे, और मिलजुल करके अब एनडीए गठबंधन बिहार में मजबूती से चलेगा। जो विपक्ष के लोग हैं, कई बार उनकी ओर से बयान आता है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और भैया सरकार तो पक्का 5 साल खूंटा ठोक कर चलेगी।